बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर जाहिद हुसैन लेक्चर्स ऑन बिजनेस लॉ के साथ हाजिर है। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द प्रोविंशियल एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि डेफिनेशन से रेलिवेंट है, और हम स्टडी करेंगे सेक्शन 1 और सेक्शन 2। इस लॉ को डाउनलोड करने के लिए आप इन लिंक्स को यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965 8 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है और इसके 82 सेक्शंस हैं। इस लॉ का बेसिक पर्पस ये है कि जो एम्प्लॉयज़ सिक्योर्ड हैं इस लॉ के तहत, वो और इन एम्प्लॉयज़ के जो डिपेंडेंट्स हैं उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाए इन द इवेंट ऑफ सिकनेस, मैटरनिटी, एम्प्लॉयमेंट इंजरी और डेथ। इसमें बेसिकली दो मेजर बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एम्प्लॉयज़ को जो कि सिक्योर्ड हैं। एक मेडिकल फैसिलिटीज़ होगा जो कि इस लॉ के तहत इस्टेब्लिश किए गए सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स में मेडिकल एंड हेल्थ केयर की सूरत में उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एम्प्लॉयज़ को और उनके डिपेंडेंट्स को अकॉर्डिंग टू दैट लॉ। दूसरा जो बेनिफिट है वो कैश बेनिफिट्स की सूरत में हो सकता है, जैसा कि सिकनेस बेनिफिट्स हैं, इंजरी बेनिफिट्स हैं, इद्दत बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स, ग्रेचुटी, डिसेबलमेंट पेंशन, सर्वाइवर्स पेंशन, फ्यूनरल ग्रांट, फाइनेंशियल असिस्टेंस और फ्री एजुकेशन हो सकती है एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रन के। ये लॉ 14 मई 1965 को वजूद में आया था और इस लॉ में चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी से रेलेवेंट है और ये लॉ पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। इस लॉ का पूरा नेम हमें पता चलता है सेक्शन 1 और सब सेक्शन 1 में, जो कि होगा प्रोविंशियल एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965। ये लॉ पूरे पाकिस्तान में एक्सटेंडेबल है, पूरे पाकिस्तान में ये लॉ एक्सटेंड करेगा। सब सेक्शन 3 ये कहता है सेक्शन 1 की कि ये लॉ सिर्फ वहाँ एप्लीकेबल होगा जहाँ उन स्पेशल एरियाज में एप्लीकेबल होगा, उन क्लासेस ऑफ पर्सन पर एप्लीकेबल होगा, उन इंडस्ट्रीज पर एप्लीकेबल होगा और उन इस्टेब्लिशमेंट्स पर एप्लीकेबल हो सकता है जिसको गवर्नमेंट जो है वो बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई करते हैं। यानी वो हर एरिया में हर क्लासेस ऑफ पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं है, हर इंडस्ट्रीज पे एप्लीकेबल नहीं है और ना ही हर इस्टेब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल है, बल्कि जिसको गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए स्पेसिफाई कर देगी ये लॉ वहाँ एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 2 डेफिनेशन से रेलेवेंट है और इसमें हम देखते हैं सब सेक्शन 5 कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन एक ऐसी अमाउंट है जो कि पेएबल होती है किसी इंस्टीट्यूशन को और ये अमाउंट पे करता है एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए। इस कानून के तहत उस अमाउंट को हम कॉन्ट्रीब्यूशन कहेंगे, यानी जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए कोई अमाउंट इंस्टीट्यूशन में पे करता है या कोई अमाउंट पेएबल होती है इंस्टीट्यूशन में, उस अमाउंट को हम कॉन्ट्रीब्यूशन कहेंगे इस डेफिनेशन की रूप से। सबसेक्शन 6 डिपेंडेंट से रेलिवेंट है और डिपेंडेंट्स में शामिल हो सकती है, अगर मेल एम्प्लॉय है तो उसकी वाइफ या उसकी वाइफ्स अगर एक से ज़्यादा शादी की, अगर वो फीमेल है तो उसका इनवैलिड हस्बैंड हो सकता है और मेल या फीमेल दोनों सूरतों में उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स हो सकते हैं, और मेल या फीमेल दोनों सूरतों में कोई अनमैरिड चिल्ड्रन हो सकते हैं जिनकी एज 21 ईयर से बिलो है, और कोई ऐसा शख्स डिपेंडेंट में शामिल हो सकता है जो कि डिपेंड करता हो ऐसे सिक्योर्ड एम्प्लॉय पे। लेकिन यहाँ पे लॉ ने प्रोविजन क्लियर कर दी है कि डॉटर्स की सूरत में, डिपेंडेंट डॉटर्स की सूरत में जो कि अनमेरिड हो, उस सूरत में जो एज लिमिट है वो अप्लाई नहीं होगी। डिसेबलमेंट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एम्प्लॉयमेंट इंजरी कॉज हो जाए, और अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर जो ऑथोराइज है इस हवाले से, वो ये सर्टिफाई कर देता है कि ऐसे वर्कर को, ऐसे एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट इंजरी कॉज हो गई है और
उसकी वजह से उसकी परमानेंटली रिड्यूस हो गई है अर्निंग कैपेसिटी, परमानेंटली रिड्यूस हो गई है उसकी अर्निंग कैपेसिटी, यानी रोजी कमाने की जो सलाहियत है वो मुस्तकिल तौर पे कम हो गई है। इसको हम डिसेबलमेंट कहेंगे। डिसेबलमेंट की फर्दर सूरतें हो सकती हैं, जैसा कि ये रेड टेक्स्ट में आप देख रहे हैं, ये तीन यहाँ पे आप समझ लें कि टाइप्स डिस्कस की गई हैं। माइनर, माइनर डिसेबिलिटी तब होगी जब जो अर्निंग कैपेसिटी है वो 20% से लेस जो है वो कॉज हो, उस सूरत में ऐसे डिसेबिलिटी को हम माइनर डिसेबिलिटी कहेंगे। लेकिन अगर रोजी कमाने की जो सलाहियत है जिसे हम अर्निंग कैपेसिटी कहते हैं वो पार्शल कहलाएगी उस वक्त अगर वो अर्निंग कैपेसिटी 21% से लेके 66% तक लॉस हो जाए, उसे हम पार्शल डिसेबलमेंट कहेंगे। और टोटल डिसेबलमेंट से मुराद ये है कि अगर अर्निंग कैपेसिटी जो है वो 66% से एक्सीड कर जाए, उससे बढ़ जाए, उसे हम टोटल डिसेबलमेंट कहते हैं। मैं मुख्तसर तौर पर दोबारा इसको रिवाइज कर देता हूँ। ये टर्म्स हम बेसिकली इसलिए यूज करते हैं कि जिस शख्स को जितनी ज्यादा डिसेबलमेंट कॉज होगी काम के दौरान, उतने ज्यादा उस शख्स को बेनिफिट दिए जाएंगे, मेडिकल बेनिफिट्स, मेडिकल हेल्थ केयर बेनिफिट्स या कोई और फाइनेंशियल बेनिफिट्स, ताकि वो अपना इलाज मुआलजा करवा सकें। अगर रोजी कमाने के दौरान माइनर डिसेबिलिटी है तो जाहिर बात है कि कम अमाउंट जो है वो पे की जाएगी। अगर पार्शल डिसेबिलिटी है या पार्शल डिसेबलमेंट है तो उस सूरत में अमाउंट एज कम्पेयर टू माइनर डिसेबलमेंट ज़्यादा पे की जाएगी, और टोटल डिसेबलमेंट की सूरत में अमाउंट इन दोनों अमाउंट से ज़्यादा पे की जाएगी। इसलिए यहाँ पे परसेंटेज रखी गई है माइनर के लिए। माइनर डिसेबलमेंट हम उसको तब कहेंगे जब उसकी डिसेबिलिटी जो है या उसके जो डिसेबलमेंट है वो लेस देन 20% हो, और अगर उसकी डिसेबिलिटी या डिसेबलमेंट 21% से एक्सीड कर जाए और 66% तक रहे, हम उसे पार्शल डिसेबलमेंट कहेंगे। टोटल डिसेबलमेंट उस सूरत में कहेंगे अगर उसकी डिसेबलमेंट जो है वो 66% से एक्सीड कर जाती है। सबसेक्शन 8, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय से मुराद है कि कोई भी ऐसा शख्स जिसको एम्प्लॉय किया गया, चाहे उसको डायरेक्ट एम्प्लॉय किया गया या चाहे उसको किसी और शख्स के थ्रू एम्प्लॉय किया गया, यानी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह के थ्रू एम्प्लॉय किया गया, दोनों सूरत हो सकती हैं। या तो डायरेक्टली आप एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करें या आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू इन अकॉर्डेंस विद कॉन्ट्रैक्ट उनको एम्प्लॉय कर लें। और जो भी एम्प्लॉय होते हैं बेसिकली उनको वेजेस आप पे करते हैं या सैलरी पे करते हैं, और सैलरी के लिए उस एम्प्लॉय को एम्प्लॉय किया गया। अब चाहे वो एम्प्लॉय स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, या सुपरवाइजरी की कैपेसिटी में उनको आपने अपॉइंट किया, या क्लरिकल कैपेसिटी में, या उसको मैनुअल वर्क के लिए अपॉइंट किया गया, या किसी और वर्क के लिए एम्प्लॉय किया गया, और वो शख्स एम्प्लॉय हुआ है किसी इंडस्ट्री में या किसी एस्टेब्लिशमेंट में, और चाहे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के तहत अपॉइंट किया गया या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप के तहत उससे अपॉइंट किया गया, और कॉन्ट्रैक्ट चाहे वो रिटन था या ओरल था, कॉन्ट्रैक्ट चाहे एक्सप्रेस था या इम्प्लाइड था, उस शख्स को एम्प्लॉय कर दिया गया, इट मीन्स दैट कि वो शख्स एम्प्लॉय की डेफिनेशन में फॉल करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दी गई है कि ये जो रेड टेक्स्ट में आपको नजर आ रहे हैं ये एम्प्लॉय की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे, इस लॉ के तहत स्पेसिफिकली, सिर्फ और सिर्फ इस लॉ के तहत वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे। जिसमें आर्म फोर्सेस के मेंबर्स हो सकते हैं, पुलिस के मेंबर्स हो सकते हैं, या रेलवे के सर्वेंट्स हो सकते हैं। क्लॉज बी के तहत रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का या किसी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में अगर कुछ लोग हैं उसके अंडर काम कर रहे हैं, वो लोग भी एम्प्लॉय के डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे। क्लॉज ये कहता है कि जो भी एम्प्लॉयज लोकल काउंसिल में काम कर रहे हैं या म्यूनिसिपल कमेटी में काम कर रहे हैं, किसी कैंटोनमेंट बोर्ड में काम कर रहे हैं या किसी और लोकल अथॉरिटी में काम कर रहे हैं, वो तमाम लोग एम्प्लॉय के डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे। यहाँ पे क्लॉज डी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ हिज फादर, मदर, वाइफ, सन, डॉटर और ऑफ हर
हस्बैंड, कोई भी शख्स एम्प्लॉय नहीं कहलाएगा अगर वो अपने वालद की किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा है, या अपनी वालदा की, अपनी वाइफ की, अपने सन की, अपने डॉटर की, या अगर फीमेल है तो अपने हस्बैंड की किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, उसे हम एम्प्लॉय नहीं कहेंगे इस डेफिनेशन की रूल से। ये ऑमिट कर दिया गया था। क्लॉज एफ ये कहता है एनी पर्सन एम्प्लॉयड ऑन वेजेस एक्सीडिंग 10,000 रुपीज पर मेंशन। अगर पर मंथ उसकी सैलरी जो है वो 10,000 से एक्सीड कर जाती है तो हम उसे एम्प्लॉय नहीं कह सकते। अगर एक्सीड ना करे तो फिर हम उसे एम्प्लॉय कह सकते हैं इस लॉ की रूल से। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, 10,000 के साथ मैंने ये ब्रैकेट्स लगाई हैं। इसकी एक रीजन है और वो रीजन ये है कि ये अमाउंट फिक्स नहीं है, ये फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। ये जो लॉ हम डिस्कस कर रहे हैं ये चूंकि थोड़ा सा पुराना है, इसलिए इसमें अमेंडमेंट शायद आपको ना नजर आ रही हो या इसमें अभी अमेंडमेंट ना की गई हो, लेकिन जो नया लॉ है उसमें अगर अमेंडमेंट हो जाती है तो वो अमाउंट कंसिडर की जाएगी, ये अमाउंट कंसिडर नहीं की जाएगी। लास्ट में कंडीशन डिस्कस की गई है वो ये, प्रोवाइडेड दैट एन एम्प्लॉय शैल नॉट सीज टू बी एन एम्प्लॉय फॉर द रीजन दैट इज मंथली वेजेस एक्सीड 10,000 रुपीज। इसका मतलब ये है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर उसकी सैलरी 10,000 से एक्सीड कर जाती है किसी भी वक्त, तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन से बाहर नहीं जाएगा बल्कि वो एम्प्लॉय ही कहलाएगा। इन केस जब वो अपॉइंट किया गया था या अपॉइंट किया गया है फॉर द टाइम बिंग और उसकी जो सैलरी है वो 10,000 से कम है तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में फॉल करेगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होती है सैलरी या लेबर लॉ में अमेंडमेंट्स आती हैं उसके तहत उसकी सैलरी इंक्रीज होती है, वैसे वैसे उसकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी लेकिन वो एम्प्लॉय ही की डेफिनेशन में फॉल करेगा, चाहे उसकी जो सैलरी है या उसके जो वेजेस हैं वो 10,000 से एक्सीड कर जाए फ्यूचर में। सबसेक्शन 9 एम्प्लॉयर से रेलेवेंट है, वो ये डिस्कस करता है कि इन द केस ऑफ वर्क्स एग्जीक्यूटेड और अंडरटेकिंग कैरिड ऑन बाय एनी कॉन्ट्रैक्टर और लाइसेंस से, अगर कोई भी ऐसा बिजनेस है, कोई भी ऐसा काम है, कोई ऐसी अंडरटेकिंग है, कोई एस्टेब्लिशमेंट है जिसको रन कर रहे हैं कोई कॉन्ट्रैक्टर या लाइसेंसी। लाइसेंसी से मुराद ये है कि जिनको लाइसेंस दे दिया जाता है किसी स्पेसिफिक काम करने के लिए, ऐसे शख्स लाइसेंसी कहलाएंगे। जो लाइसेंस इशू करते हैं वो लाइसेंसर कहलाते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर किसी काम का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं और उसके बाद एम्प्लॉयज को हायर करके उनसे सर्विसेज लेते हैं और अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करते हैं। अगर ये लोग, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर या लाइसेंसी है, वो स्टेट के बिहाफ पे काम कर रहे हैं उस सूरत में, उस या वो स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, या तो वो स्टेट के बिहाफ पे काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर या लाइसेंसी, या कॉन्ट्रैक्टर या लाइसेंसी स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि अगर वो कोई और इंडस्ट्री है या कोई बिजनेस अंडरटेकिंग है या कोई एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्टर और लाइसेंसी ये एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में फॉल करेंगे दोनों। और इसी तरह जो एम्प्लॉयर होगा वो तो एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में फॉल करेगा ही, लेकिन लॉ ये कहता है उनके जो एजेंट्स हैं वो भी एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में फॉल करेंगे, उनके जो मैनेजर हैं वो भी एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में फॉल करेंगे, और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑनर के वो भी एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में फॉल करेंगे। लिहाजा अगर हम मुख्तसर तौर पर यहाँ पर डिस्कस करें, जो किसी इदारे के, कंपनी के, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के, अंडरटेकिंग के जो लोग एम्प्लॉयर हैं, ऑनर हैं, वो तो एम्प्लॉयर कहलाएंगे ही। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो लाइसेंसी है, स्टेट के लिए काम करते हैं या स्टेट के बिहाफ पे काम करते हैं, वो भी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। या ऐसे ऑनर जो किसी इंडस्ट्री के ऑनर हैं, बिजनेस अंडरटेकिंग के, एस्टेब्लिशमेंट के, वो भी एम्प्लॉयर कहलाएंगे, और उनके जो एजेंट्स हैं, मैनेजर्स हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में फॉल करेंगे। एम्प्लॉयमेंट इंजरी को डिस्कस किया गया है सबसेक्शन 10 में। ये एक पर्सनल इंजरी है। पर्सनल इंजरी से मुराद किसी शख्स को कोई फिजिकली इंजरी कॉज हुई है, और जिसको इंजरी कॉज हुई है वो एक सिक्योर्ड पर्सन है अकॉर्डिंग टू द
दैट स्पेसिफिक लॉ। और ये इंजरी कॉज हुई किसी एक्सीडेंट की वजह से, एक बात। दूसरी बात है कि ये इंजरी एक्सीडेंट की वजह से तो कॉज नहीं हुई, लेकिन ऑक्यूपेशन डिजीज की वजह से इंजरी कॉज हुई है। ऑक्यूपेशन डिजीज वो होती है जो किसी पेशे के साथ मुंसलिक होने की वजह से किसी शख्स को, किसी वर्कर को, किसी एम्प्लॉय को वो बीमारी लग जाए। असल जो लोग कॉटन जिनिंग पे काम करते हैं, अगर उनको सांस की बीमारी लग जाती कॉटन जिनिंग की वजह से, वो ऑक्यूपेशनल डिजीज कहलाएगी। और इसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इंजरी, जो हमने अभी डिस्कस किया है। लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि ये तमाम मामला जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, ये एम्प्लॉयमेंट के दौरान इंजरीज काज होने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के दौरान इंजरी कॉज होने चाहिए। और अगर एक एम्प्लॉय छुट्टी करके घर चला गया था और घर में उसको चोट लग गई है, वो एम्प्लॉय के डेफिनेशन में फॉल करता है। लेकिन ये जो लास्ट कंडीशन है, चूंकि इसमें वो फॉल नहीं करेगा, उस वजह से वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी नहीं कहलाएगी, बल्कि वो उसकी ऐसे पर्सन इंजरी होगी जो उसके घर में उसको लगी और वो काम करने के दौरान वो इंजरी कॉज नहीं हुई, और इसके कोई भी बेनिफिट वो क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी नहीं है। सबसेक्शन 11 एस्टेब्लिशमेंट के बारे में है। एस्टेब्लिशमेंट से मुराद कोई इंडस्ट्रियल, कोई कमर्शियल या एग्रीकल्चरल या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, उसे हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया है सबसेक्शन 15 में, कोई भी बिजनेस, कोई ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर या कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स, इसे हम कहेंगे इंडस्ट्री। और लॉ ये कहता है कि इंडस्ट्री में ये भी शामिल हैं जो कंटेंट्स यहाँ पे हैं, कॉलिंग यानी जो एम्प्लॉयर्स को कॉल, डिफरेंट एम्प्लॉयर्स को कॉल करके एग्जीबिशन लगाई जाती है ताकि वो लोगों को इंट्रोड्यूस करवा सकें और जॉब्स वगैरह के हवाले से जॉब्स फिर मुनक्कद कर सकें। ऐसे इदारे, ऐसे इंडस्ट्रीज या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी इंडस्ट्री के डेफिनेशन में फॉल कर सकते हैं। कॉलिंग, या अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है इंडस्ट्री, या एम्प्लॉयमेंट फ्राहम कर रही है, या हैंडीक्राफ्ट से रेलिवेंट है, या इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन से रेलिवेंट है, एवोकेशन ऑफ वर्कमैन से रेलिवेंट है, वर्कमैन के पेशावराना जो सलाहियत हैं उनको उभारने के लिए कोई ऐसे इदारे बनाए गए हैं, वो इंडस्ट्री के डेफिनेशन में फॉल करेंगे। सबसेक्शन 25 में सिक्योर्ड पर्सन को डिफाइन किया गया है। सिक्योर्ड पर्सन, जिसको हम लास्ट डेफिनेशन में डिस्कस कर रहे हैं, सिक्योर्ड पर्सन बेसिकली एक ऐसा शख्स होगा जिसके हवाले से कंट्रीब्यूशन पे किया जा रहा है एम्प्लॉयर की जानिब से। या तो कंट्रीब्यूशन पे किया गया था, या वो कंट्रीब्यूशन पेएबल है इस कानून के तहत, उसको हम सिक्योर्ड पर्सन कहेंगे। सिकनेस, सिकनेस से मुराद ऐसी कंडीशन है जिसमें जरूरत होती है मेडिकल ट्रीटमेंट की, और जिसकी वजह से जरूरी हो जाता है कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो काम ना कर सके, बल्कि काम से एब्सेंट हो जाए मेडिकल ग्राउंड्स की बुनियाद पर। ऐसी जो हालत है, ऐसी जो कंडीशन है, उसे हम सिकनेस कहेंगे अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक लॉ। सबसेक्शन 30 वेजेस से रेलेवेंट है। वेजेस वो रेम्यूनरेशन है सर्विस के, वो अमाउंट है जो कि पेएबल है, चाहे कैश के शक्ल में पेएबल है या किसी और शक्ल में पेएबल है। जैसा कि मौजूदा दौर में कुछ अमाउंट हम इन कैश पे नहीं करते, चेक दे देते हैं या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर देते हैं, ऑनलाइन उसके अकाउंट में अमाउंट जा सकती है। तो लिहाजा कोई भी रिम्यूनरेशन जो सर्विस के लिए पे की जाए किसी एम्प्लॉय को या किसी सिक्योर्ड पर्सन को, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है, उसे हम वेजेस कहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रोविजन है, वो ये कि ये अमाउंट जो है वो कम नहीं होनी चाहिए जो मिनिमम वेजेस ऑर्डिनेंस 61 में डिस्क्राइब कर दी है या डिक्लेयर कर दी है, उस अमाउंट से ये वेजेस के अमाउंट कम नहीं होने चाहिए। और इसमें कोई भी डिडक्शन शामिल नहीं होगी, जो किसी भी पर्पज के लिए डिडक्शन की जा रही है वो डिडक्शन शामिल नहीं होगी इसमें, और वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत होगी या अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट के तहत होगी, चाहे ये एक्सप्रेस हो या एम्प्लॉयड हो, तो ये वेजेस कहलाएंगे। डिडक्शन का मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ, अगर एक शख्स की मंथली जो वेजेस हैं या रिम्यूनरेशन है वो बनते हैं 20,000, अगर उसके 20,000 में से 15,000 डिडक्ट किया जा रहा है
इस वजह से कि उसने लोन लिया था कंपनी से और उसकी डिडक्शन हो रही है मंथली बेसिस पे 5,000, तो उसकी जो वेजेस समझे जाएंगे दैट वुड बी 20,000 ना के 15,000। तो 20,000 जो है वो उसकी वेजेस समझी जाएंगी विदाउट एनी डिडक्शन। नेक्स्ट इसमें डिस्कस किया गया है कि कोई भी अमाउंट जो है वो वेजेस कहला सकती है अगर उसमें कोई डियरनेस अलाउंस शामिल किया गया या उसमें किया गया कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस शामिल, फिर भी वो वेजेस ही की डेफिनेशन में फॉल करेगी। और अगर कोई अथोराइज लीव थी किसी एम्प्लॉय की और उसने लीव नहीं की, उसके उसको कैश की शक्ल में पेमेंट कर दी गई, वो भी वेजेस की डेफिनेशन में फॉल करेगी। या इलीगल लॉकआउट था या इलीगल स्ट्राइक की गई थी और उसकी पेमेंट दी गई है एम्प्लॉयज को, वो अमाउंट भी वेजेस की डेफिनेशन में फॉल करेगी। लेकिन लॉ ये कहता है कि ये अमाउंट्स जिनका यहाँ पे जिक्र है ये वेजेस की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी। जैसा कि ओवर टाइम ये वेजेस नहीं कहलाएगा, या वो अमाउंट जो स्पेशल एक्सपेंसेस करने के लिए किसी एम्प्लॉय को दिए जाते हैं और एम्प्लॉय वो एक्सपेंसेस जो है वो इनकर करता है, उस सूरत में इसको हम वेजेस नहीं कहेंगे, बल्कि वो तो एक्सपेंस के लिए अमाउंट दी गई थी जिसका एक्सपेंस हो चुका है। कोई भी ग्रेजुटी के अमाउंट वो वेजेस के डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी। या कोई बोनस जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है 1 साल के बाद या 6 माह के बाद या किसी भी दौरानिए के बाद, वो अमाउंट भी वेजेस के डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।